हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सीसीएस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट निकल के आ रही हैं, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी रिजल्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीएस रिजल्ट की। बीकॉम लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बीकॉम अंतिम वर्ष का रिजल्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कल घोषित कर दिया था। जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है वो ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है, आपको सर्च करना होगा ccsurezults.com। ये जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपकी ऑफिशियल साइट है। उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करें तो रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इंफॉर्मेशन अपडेट प्रोवाइड की गई है। इसे मेंशन भी किया गया है कि सीसीएस परिसर और संबद्ध कॉलेजों में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण चल रहे हैं। यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन होना था सीसीएस यूनिवर्सिटी में या उनसे रिलेटेड जो कॉलेज हैं उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था अभी तक चल रहा था। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त को तय की गई है, यानी आज जो है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो प्लीज करवा ले जाके। अगर छात्र छात्रा को पंजीकरण के समय रिजल्ट नॉट फाउंड का मैसेज दिखाई दे या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई दे तो वो समय ना गवा कर परिसर में स्थित DSW कार्यालय से संपर्क करें। यानी अगर आपके इसमें ये शो कर रहा है फोन पे कि रिजल्ट नॉट फाउंड या किसी प्रकार का कोई भी मैसेज आ रहा है तो आप कॉलेज में जो DSW का कार्यालय है, ऑफिस है, वहां संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस टाइम आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा प्रवेश पोर्टल पर दी गई ईमेल आईडी पर दोनों अंक तालिकाओं को भेजकर अपना इंटरमीडिएट का परीक्षा फल सीएसएसयू के सर्वर में अपडेट करा सकते हैं। यह कार्य भी 25 अगस्त के पहले कराकर पंजीकरण सुरक्षित करवा लें। यानी आज आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, अभी तक अगर आपने नहीं करवाया है तो प्लीज करवा लें। बीकॉम लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है और आगे भी जो भी रिजल्ट अभी रिमेनिंग है, जो पेंडिंग है, वो जल्द ही पोर्टल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय ने 11 कॉलेजों के रिजल्ट रोक दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजों के अंक पत्र नहीं मिलने के कारण रिजल्ट रोके गए हैं। तो ये इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। फिलहाल बीकॉम लास्ट ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उसके बाद और भी रिजल्ट जो है आपके वो जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। यही आज की मेन इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।